हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फ्रोजन मटर कैसे तैयार करते हैं ये बताऊंगी। अभी मटर का सीजन चल रहा है और इस समय मार्केट में बहुत सस्ते मटर आ रहे हैं, तो आप इस समय मटर के दाने निकाल लीजिए और 6 महीने साल भर के लिए इसे फ्रोजन करके रख दीजिए। बहुत अच्छी तरह रहते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए इसे कैसे बनाया जाता है। हमने 2 किलो मटर के दाने ले लिया है। इसे हम उबलते हुए पानी में डालेंगे। हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है। देखिए पानी भी उबल चुका है। अब हम मटर के दानों को पानी में डाल देते हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डले रहने देंगे। फ्लेम को हमें फुल रखना है, फुल फ्लेम पे करना है ये प्रोसेस। बस घड़ी देखकर आप 2 से 3 मिनट के लिए रखिए, तब तक हम चिल्ड वाटर तैयार कर लेते हैं। हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम आइस क्यूब्स डाल देंगे और पानी डाल देते हैं। चलिए हमारे मटर के दाने भी तैयार हो गए हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है, फ्लेम बंद कर दिया और अब हम दानों को निकाल के डायरेक्ट चिल्ड वाटर में डालेंगे। अच्छा ठंडा पानी रखिए, उससे क्या होता है कि जो मटर के दाने का कलर बहुत सुंदर आता है, ग्रीन कलर, और इसकी बॉइलिंग प्रोसेस भी ख़त्म हो जाती है। देखिए अब हमारे दाने ठंडे हो गए हैं, अब हम पानी में से इसे निकाल लेंगे। एक हमने जाली वाला बर्तन ले लिया है, उसके नीचे एक कटोरा रख दिया है और पानी निकाल लेते हैं। और जब पानी पूरी तरह से दानों से निकल जाएगा, तब हम इसे पॉलीथीन बैग्स में भर लेंगे। देखिए पानी अच्छी तरह से निकल गया है दानों से, अब हम इसे पॉलीथीन बैग्स में डाल देंगे। ये हमने जिपलॉक वाले पॉलीथीन बैग ले लिया है, कुछ छोटे साइज़ के ले लिया है और कुछ हमने बड़े साइज़ के ले लिया है। इसमें हम भर देते हैं। देखिए मटर के दानों को इस तरह से रखने से बहुत अच्छी तरह से मटर रहती है। 6 महीने से 1 साल तक आप मटर के दानों को यूज़ कर सकते हैं। फ्रीजर में रखकर इसे अच्छी तरह जिप लॉक कर लेते हैं। इसी तरह हम सारे बैग्स भरकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो एयरटाइट कंटेनर में भी भरकर रख सकते हैं। देखिए हमने फ्रोजन मटर तैयार कर लिया है। हमने इसे जिपलॉक वाले पॉलीथीन बैग्स में भरकर रख दिया है। आप चाहे तो एयरटाइट कंटेनर में भी डालकर रख सकते हैं। इसे आप 6 महीने 1 साल तक फ्रीजर में रखिए और जब भी आपको कुछ मटर से रिलेटेड डिशेस बनानी है, आप उसे निकालिए और बना लीजिए। बहुत आसानी से, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने फ्रोजन मटर बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह फ्रोजन मटर बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।